दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। गुरु सवारे जी, आपां कुछ वीडियोज़ दे विच गुरु अर्जन साहिब सतगुरु महाराज के जीवन नाल संबंधित अते गुरु अर्जन साहब महाराज की शहादत दे कारणा नाल संबंधित कुछ वक् वक् पक्षां नूं संखेप विच विचारण दा यतन कर रहे हाँ। इसे ही लड़ी तहत अज एक विशेष कारण जो भारतीय समाज विच भारत की राजनीति विच बड़े खास अर्थ रखता है अते यही पक्ष एक कारण दे रूप विच गुरु अर्जन साहब महाराज दे जीवन विच भी कई तरह दियां मुश्किलां पैदा करन दे नाल नाल गुरु अर्जन साहब की शहादत का कारण भी साबित हो जाता है। मैं तुहाडा ध्यान गुरु नानक महाराज पातशाह की कुरबाणी विच अंकित एक पंक्ति वल ले जाना चाहुंदा जिस विच गुरु साहब जी ने जिक्र किया है, खतरियां ता धर्म छोड़िया मलेश भाखिया गही, सृष्ट सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही। ये पंक्ति दे संदर्भ नू जे ना समझिया जावे तां लफ्ज़ां नू लैके कई वार साडे मन अंदर सवाल भी उपज पैंदे हन। गुरु साहब जी ने इत्थे किहड़े खत्री वर्ग का जिक्र किया है जिन्हां ने धर्म छड़ दिता है, वो किहड़े वर्ण हन जिहड़े मिट गए हन, सृष्ट सब एक वर्ण होई, वो किहड़ा धर्म है जिस की गत जिस की अवस्था पतन वाले पासे नूं तुर पई है। निश्चय बाहरी रूप विच शब्दावली नूं वेखण दे नाल कई बार इवें महसूस हुंदा है, क्योंकि एक सज्जन ने ऐसा प्रश्न भी मैनू कीता सी कि जदों के गुरु साहिब वर्ण व्यवस्था नूं प्रवान ही नहीं करदे तां गुरु साहिब जी ने यह क्यों लिखिया कि सृष्ट सब एक वर्ण होई, कि वर्ण मिट गए हन, ते की वर्ण आश्रमी विचारधारा नूं गुरु पातशाह धर्म कहिंदे ने, भी धर्म की गत रही। नहीं, मैं उन्होंने बेनती की सी भी जिन्ना चिर असी इस पंक्ति दे संदर्भ नूं नहीं समझते भी किस संदर्भ विच गुरु साहब जी ने यह जिक्र किया है, इस पंक्ति दे असली अर्थ भाव नूं असी गहरे तल ते समझ नहीं सकते। ये पंक्ति बेसिक रूप विच भारती समाज नाल भारती राजनीति नाल वो राजनीति जिहड़ी मुगलां तो पहलां जां मुगलां दे समें सी बड़ा गहरा ताल्लुक रखदी है। पहली तां गल इस नुक्ते नूं समझण वास्ते एक ख्याल जरूर अपने दिमाग विच रखिए, भारती ग्रंथां ते समाज मुताबक चार वर्ण हन। पहले नंबर दे उत्ते आउंदा है ब्राह्मण, दूजे ते आउंदा है खत्री, तीजे ते आउंदा है वैश, चौथे ते आउंदा है शूद्र। हालांकि ये वर्ण भी आपस में गोतां ते बिरादरियां दे आधार ते अगे इन्हां दे भी कल्ट ने वंडे हुए ने, दर्जे ने, पर असी उस विषय वल नहीं जावांगे। ब्राह्मण दा कर्म है धर्म कर्म करने, विद्या पढ़नी, विद्या पढ़ाउणी इत्यादक, ते सलाहकार दे रूप विच राज दरबार विच राज पुरोहित दी पदवी ते सज के राज दीयां नीतियां नूं घड़ना, धार्मिक फैसले देना, कानून बनाने, समाजिक व्यवस्था किवें चले, ये नीतियां घड़न दा सारा दरोमदार जिम्मेवारी इस वर्ण ने अपने कोल राखवी रखी। खत्री दा कर्म है राखी करनी, मुल्क दी राखी, ब्राह्मण दी राखी, विपर दे धर्म दी राखी, विपर दे विश्वास मनौतां दी राखी इत्यादक। तो सुभाविक है राजनीति दी दुनिया विच सब तो उचेरा दर्जा जिहड़ा सी वो खत्री दा मिथिया गया।
तख्त उत्ते वह बैठता है जो उच्चे वर्ण का होवे, उही सिंघासन का मालक बनता है। उस नूं भी ब्राह्मण बिपर राज पुरोहित दे अगे सिर चुकाउणा पैंदा है, उहदे कदमां दे विच सिर रखना पैंदा है। वह तिलक देवेगा तो उहदा राजकोश हो सकता है, नहीं तो नहीं होएगा। यह सारा कुछ सानू भारतीय इतिहास के पन्नियां दे उत्ते अंकित होया लिखित मिल जाता है कि ब्राह्मण की की पदवी सी, खत्री का की रोल, तो खत्री की की पदवी सी। इतों तुसी अंदाजा ला सकते हो भी राजनीति खत्री वर्ण के नेड़े तेड़े घूमती रही है। उ तख्त ताज के मालक बनते रहे, रियासतों के मालक राजे बनते रहे, लीड करते रहे, उन्होंने कोल ही राखी का जिम्मा, बाकी सारा कुछ जिहड़ा सी तकरीबन उन्होंने कोल, उन्होंने कंट्रोल या कब्जे में रहा। गुरु नानक महाराज का यह कहने का भाव यह सी कि खत्रियां ने राखी का जिहड़ा जिम्मा उठाया सी, लोगों की राखी करनी है, प्रजा की राखी करनी है, प्रजा की सलाम, क्योंकि राजे का जिहड़ी हकूमत है, हाकम है, वह फर्ज यही बनता है ना भी वह लोगों की राखी करे। पर होया कि जदों बाहरों ताड़वी आए तो उन्होंने हौली हौली लोगों नूं लुटिया भी, लोगों नूं कुटिया भी, लोगों नूं बर्बाद भी किया, तबाह भी किया, धर्म स्थान भी ढाए, सब कुछ ही होया। हौली हौली वो उन्होंने हकूमतां कायम कीतियां भारत दे उत्ते, निक्कियां निक्कियां रियासतां नूं मलिया मेट करके। यह भी एक वक्खरा विशा है कि कल्ले बाहरों आए हुए हमलावर ही इस विच दोषी नहीं सन, बल्कि भारत की जनता ही आपस में इन्नी वंडी हुई सी, एक दूजे नाल जातां करके, विश्वासां करके, पहरावियां करके, बिरादरियां करके, नसल भेद, भेदभाव, छूआछात, नफरत, यह जहर इन्ना फैलिया हुआ सी दिल दिमाग ते समाज के ताने बाने विच कि ऐसे लोगों नूं हराउणा कोई बहुता वड्डा मसला नहीं सी। जिहड़े लोग पहले ही आपस में खिंडे पुंडे ते पाटे पए होण, जुड़ के ना बैठते होण, जिहड़े लोग एक दूजे नाल पल्ला छू जाण दे उत्ते भी पिटे जांदे होण, ते जिहड़े लोग अपने ही लोगों नीवा दर्जा ते पशुओं तो भी भैड़ा उन्हां नाल सलूक करते होण, ऐसे समाज के उत्ते राज करना किसी बाहर दे हमलावर का बहुता कठिन सौदा नहीं। क्योंकि जदों कोई बाहरों हमलावर आउंदा ते उत्थे जिहड़े दब्बे कुचले लताड़े जुल्म दे शिकार पशुओं तो नीवी जिंदगी बतीत करने वाले जिन्हां नूं हकारत की दृष्टि नाल वेख्या जांदा है, जिन्हां नूं दबाया जांदा है, वह दिलों कदे भी किसी अपने मुल्क दे हाकम दा, मुल्क दे राजे दा, राजनीतिक शासक दा वह मदद करन लई तैयार नहीं सन हुंदे। उन्हां नूं लगदा ये सानू किहड़ा बंदियां वांगू समझदे ने, ते चंगा जो भी हो रहा ठीक है, सानू की फर्क पैंदा है। जदों उन्हां नूं अपनी धरती ते अपने चंगे बशिंदे होण दा, चंगे नागरिक होण दा एहसास ही नहीं सी, अपने अपने लोग होण दा उन्हां दे अंदर दा एहसास ही मुका दिता गया सी, तां उन्हां अंदर जिहड़ी बेगानगी, उन्हां अंदर दा जिहड़ा गुस्सा, उन्हां दे अंदर दी जिहड़ी खेज, उन्हां दे अंदर दी जिहड़ी नफरत, वो सारी फिर चुप रहन दे विच निकलती रही भी चुप रहो पासे रहो सानू की लोड़ है। ये भी एक कारण भारत दे उत्ते बाहरी हमलावरां दा आके स्थापित हो जाण दा वड्डा ते मूल कारण बनिया। हुण जिहड़ी समझण वाली इहदे विच चीज़ है कि गुरु साहब ने जिस संदर्भ विच ये दो पंक्तियां कहियां, खत्रियां तां धर्म छोड़िया, खत्रियां ने किहड़ा धर्म मिथिया सी, अपना की कर्म मिथिया सी, खत्री शब्दं सूर शब्दों, सूर मताई बहादरी, प्रजा की राखी, पर वो नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने अपने पेशे नाल इंसाफ नहीं सी कीता। जिन्हों की राखी करन दा उन्हां नूं ऐद दिता गया जां लिया सी उन्हां नूं, असीं प्रजा के पालक हाँ, प्रजा के रक्षक हाँ, राखी करन वाले हाँ, उस प्रजा नूं तां उन्होंने वंड के दबाया होया सी, उस वंड के खिलाफ उन्हां आवाज़ नहीं सी चुकी भी शासक का हाकम का फर्ज है न्याय करना, निरपक्ष रहना। पर न्याय कित्थे सी, निरपक्षता कित्थे सी, भेदभाव तो वह एक अपने राज पुरोहित के कदमों पर सिर रख के ही सीख लेंदे सन, तो उन्हां दीयां नीतियां नूं लागू करते सन, जिहड़ी वर्ण अवस्था, जात पात, भेदभाव, छूआछात, नफरत, ये जहर राजनीतिक ताने बाने राही अगे तो अगे फैलता गया। तो न्याय तो पहलों ही
दर बदर किया होया सी। पर गुरु साहब जी ने कहा भी जो ऐद उन्होंने की लिया सी, प्रजा दे पालक हाँ, प्रजा दे रक्षक हाँ, पर ये ऐद उन्होंने खुद ही तोड़ लए हुए सन। ये प्रण वाल उन्होंने पहले ही पिट कर ली हुई सी, पर फिर भी जदों कोई बाहरों हमलावर आउंदा तां जदों उन्हां दा सारा ढांचा ही छिन्न भिन्न सी तां उहदी राखी किवें कीती जा सकदी। फिर की होया, गुरु साहब ने जो वेखी हालत भी जिहड़े अपने आप नूं प्रजा दे पालक ते रक्षक होण दा दम भरदे सन कि राजनीति दे असी कंट्रोलर हाँ, राजनीति साडे हत्थां च है ते असी इह फर्ज़ अदा करदे हाँ, जिहड़े सदियां तों दावा करदे आ रहे सन। गुरु साहब ने लोधी सामराज वेख्या सी, फिर उस तों बाद मुगल हाकम आए। गुरु नानक महाराज दे वेले पहलां लोधियां दा राज सी, वह पठान सन, फिर उस तों बाद मुगल बाबर आए, मुगलों ने अपना राज कायम किया लोधी सल्तनत का खात्मा करके। पर दोवें ही हालतों में भावें लोधियां का राज होवे ते भावें मुगलों का राज होवे, गुरु नानक महाराज ने वेख्या कि कट्टड़ मुला मुलाने ते कट्टड़ धिरां ते ओ धिरां जिहड़ियां कि इस्लाम दे मूल अकीदे नूं लागू करन दा दावा करदियां सन ते जिहड़ियां किसी दूजी कौम ते उहदी आइडेंटिटी उहदी पछाण उहदी होंद नूं प्रवान नहीं सन करदियां, धक्का जुल्म शरा दे नां दे उत्ते राजनीति दी ताकत दी पदवी दी वरतों दे राहीं शरेआम हुंदा सी। गुरु साहब ने वेख्या भी खत्री वर्ण वह लोग वह एक लॉबी वह एक धिर भारत के समाज की जिहड़ी प्रजा पालक ते रक्षक होण दा ते राज करन दा दावा करती है, वह इस जुल्म के खिलाफ खलोण की बजाय इस जुल्म के विरुद्ध में आवाज़ उठाने की बजाय की करती है, हाकम धिर नाल रल के चलती है। उन्होंने अपने लोगों का हो रहा दमन विखाई नहीं दिता, उन्होंने अपने कल्चर अपने सभ्याचार अपने विश्वासों का धक्के किया जा रहा सफाया विखाई नहीं दिता, उन्होंने अपनी प्रजा के बुरे हाल विखाई नहीं देंदे, महसूस ही नहीं हुंदा कि धक्का हो रहा। एक मानसिक जेहनी ते एक आत्मक गुलामी सी जिहड़ी उन्होंने अपने गल पा ली हुई सी। पहलों एक पुरोहित दे गुलाम बन के न्याय दा गल कुटदे सन, अज एक वड्डे सामराजी ताकत दा एक मशीनरी दा पुरजा हिस्सा बन के न्याय ते प्रजा दे हितां दा गला घुट रहे सन। इस पक्ष विच महाराज गुरु नानक साहब ने कहा, खत्रियां तां धर्म छोड़िया मलेश पाख्या गई, सृष्ट सब एक वर्ण होई। एक वर्ण का मतलब सी भी एक ताकतवर धिर जिहड़ी है दूजिआं दा मलिया मेट करके उन्हां अपने जबरदस्ती जां एक पीढ़ियां नीतियां बना के मर्ज करती जा रही है, अपने च रलाउंदी जा रही है। धर्म की गत रही, असूल प्रस्ती खत्म हो गई, इत्थे धर्म तों मतलब असूल प्रस्ती तों। तो गुरु साहब जी ने एक होर बड़ा बा कमाल श्लोक उच्चारण किया है, रोज़ असी आसा दी वार दे विच पढ़दे हां, मान सखाणे करै निवाज छुरी वगायन तिन गल ताग, तिन कर ब्राह्मण पूरै नाद, उन्हां पी आवै ओई साध, कूड़ी रास कूड़ा व्यापार, कूड़ बोल करै हार, शर्म धर्म का डेरा दूर, नान कूड़ रहा भरपूर। अगे लिखे मथै टिक्का तेड़ धोती कखाई, हथ छुरी जगत कसाई। फिर अगे नील वस्त्र पहरोवै प्रवान, मलेश धान ले पूजा प्राण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौंके उपर किसा ना जाना, दे कै चौंका कढ़ी कार, उपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटै वे मत पिटै, ये आन्या साडा फिटै तन फिटै, फेड करेन मन जूठै चुली परेन, कहो नानक सच त्याई है, सच होवै तां सच पाई है। सोच मतलब आत्मक पवित्रता। इस सारे श्लोक नूं तुसी गौर नाल पढ़ो, इस विच तीन धिरां दा जिक्र है, एक धिर है हाकम धिर जिदे विच मुगलिया सल्तनत जां पहला उस तो लोधी, ये सारा जो सामराज है जिन्हां दा जिन्हां दीयां नीतियां चलदियां ने। दूजी धिर की है, उही खत्री वर्ण जिहड़ा उस राजनीतिक मशीनरी दा आप भी एक पुरजा बन चुका है, एक हिस्सा बन के अपनियां गरजां ते स्वार्थां लई जिसने सब कुछ गिरवी रख दिता है, गहने रख दिता है। ते तीजा वर्ण तीजी धिर किहड़ी है, वह भारत दे अपने आप नूं धर्म आगू अखवाउण वाले तीन घर ब्राह्मण पूरा नाद जिहड़े आखदे सन असी धर्म बारे दसांगे पवित्रता सोच व्यवस्था, वह उन्हां बंदियां दी जाके गुलामी करदे ने जिहड़े अगे किसे दे कोल अपने हित वेच चुके ने।
और इतों तक गिरावट है भी जिहड़ियां चीज़ां नूं बाहर कहिंदे भी ये अधर्म है, ये काम नहीं करना, आप वो अंदर खाते सारे काम कर देन। नील वस्त्र पैर होमै प्रवान, मलेश धान ले पूजै प्राण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना। तो बाहर आके की कहिंदे ने, चौंके उपर किसै ना जाना। हुण सतगुरु ने इन्हां धिरां दे दो तरह के किरदार बयान किए, दोहरे किरदार, किवें अपने लोगों नाल दगे किए जाते हैं, गद्दारियां कीतियां जांदियां ने, अपने लोगों के हितों नूं किवें दाते लाया जाता है, किवें अपनी जमीर नूं अपने अपने अहुदियां की खातर मार लिया जाता है, किवें अपने लोगों के हित वेचे जाते हैं अपनी गरज अपने स्वार्थ की खातर, वो सारा कुछ महाराज ने इस समुचे श्लोक में प्रो के रख दिता। हुण तुसीं अगे वेखो भी जिस वेले लोधी जां मुगलिया सल्तनत जदों जिन्हों इस्लाम के नाते फैलाया गया सी, जदों वो सारा कुछ प्रभावशाली हो जाता है, तो यही वर्ण लीडरी करन वाला लीड करन वाला ये वर्ण जिहड़ा उन्हां दियां सरकारी नौकरियां ते फिट हो जाता है। कुछ व्यापारी बन जाते ने, कुछ उन्हां दे मुसद्दी मुनीम बन जाते ने, कलर्क मैनेजर बन जाते ने, इतों तक कि उन्हां दियां फौजां विच कमांडर भी बन जाते ने, यानी कि पूरी तरह नाल उन्हां दे प्रबंध विच फिट हो गए। किसी राज प्रणाली का हिस्सा बनना कोई गुनाह नहीं हुंदा, पर उस राज प्रणाली के ना पक्षी कम्मां नूं हां मिला के ते लागू करना, ते वह भी अपने लोगों के बरखिलाफ, यह गुनाह हुंदा है। खैर, इस तों अगे असीं चलदे हां भी सत्ता के बदलाव ने भारतीय समाज में भी बड़े किस्म दियां तब्दीलियां पैदा कर दित्तियां, और मैं जिक्र कीता भी ऐसे ही वर्ण वालों जिहड़ा कि वर्ण आश्रमी मत का हामी भी सी। हुण गुरु साहब ने जिहड़ा जिक्र किया यही किया ना भी बाहरों तुसी सोच भेट वर्ण व्यवस्था जात पात उच्चा नीवा वर्ण छूत छात भेदभाव इन्हां गल्लां की हमायत करते हो, पर जिस वेले तुहाडे हित की गल आउंदी है उदों तुसी नीले वस्त्र भी पा लैंदे हो, उदों तुसी अपाख्या का कुठा बकरा भी खा लैंदे हो, उदों तुसी मलेश धान भी लै लैंदे हो, तो पुराण भी पूज लैंदे, यानी कि तुसी अपने लोकां लई मर्यादा कोई मिथ दे हो, तो अपने लई तुसी लचक लै लैंदे हो, मर्यादा दे विचों चोर मोरियां लभ लैंदे हो। गुरु साहब ने यही इसे गल का जिक्र किया। हुण वह चीज़ है कि ऐसे वर्ण ने कदे भी ऐसे ऐसी धिर ने कदे भी ऐसे विचार नूं प्रवान नहीं किया जिहड़ा विचार वर्ण व्यवस्था की विरोधता करता होवे, जात पाती प्रबंध की विरोधता करता होवे। इहदा आपां एक होर टॉपिक विच भी जिक्र किया है, दर्जाबंदी छूआ छात, जिस टॉपिक दे विच मैं ये गल की है विषय विच, उहदे विच मैं इस गल का आप जी दे नाल खुलासा किया। हुण यही कारण है भी 1566 ईस्वी दे विच जिहड़े राजनीतिक अफसरशाही दे विच फिट सन बंदे, चाहे वह उच्चे वर्णा नाल संबंध रखते सन, जिन्हां खास तौर पर पंजाब दे विच जिहड़े ने खत्रियां दा जिक्र ज़्यादा मिलता, उच्चे वर्ण वाले लोग खत्री ब्राह्मण रल के, उन्होंने अकबर दे कोल एक शिकायत की कि गुरु अमरदास महाराज साडे मजहब की मुखालफत करते हैं, तो इस्लाम विरोधी भी काम करते हैं। ये शिकायत के पिछे प्रोपोगंडा सी गुरु अमरदास महाराज ने, क्योंकि पंगत नूं वड्डी पद्धर दे उत्ते पहले पंगत पातशाह संगत बौली की सिरजना 22 मंजियां 52 पीड़े ये सारे कार्य जिहड़े कीते सन, इन्हां तों उन्हां नूं बड़ी खिज होई। इत्थों तक सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज सती प्रथा की मुखालफत भी करते सन कि नहक किसी ऐसे मनुख नूं किसी औरत नूं उहदे मरे हुए पति की चिखा दे विच ही जिउंदिआं साड़ देना यह जुल्म है, यह प्रथा नहीं, यह कतल है। ऐसियां होर बहुत चीज़ां सन जिन्हां तों गुरु अमरदास महाराज वेदां की उस तरह की अथॉरिटी नहीं सन मन। महाराज का यह बचन आप पढ़ते हाँ आनंद साहब की बाणी च, सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार ना जानी, तत्तै सार ना जानी गुरु बाजों तत्तै सार ना जानी, तिही गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहन विहानी, गुर किरपा ते से जन जागे जिन्हां हर मन वसया बोलें अमृत बाणी।
ये तो तुसी अंदाजा ला सकदे हो। गुरु अमरदास महाराज का अपना पिछोकड़े रहा है कि गुरु अमरदास महाराज ने वो सारे कर्म वो सारा कुछ अपने जीवन च वेख्या हंडाया ते इहदी तुर गहराई तक जाके इन्हां चीज़ां नूं समझिया। तो गुरु अंगद साहब जी की शरण सोबत संगत विच आउण तों बाद जो तब्दीली उन्होंने माणी उन्हों का यह तजर्बा बोल उठा भी सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत् सार ना जाने। ये तत् निचोड़ की गल नहीं करते। वो वर्ण आश्रमी जात पाती भेदभावी नस्लवाद ये सारिया चीज़ों नूं गुरु साहब ने अपनी बाणी ते अपनी बाणी दे उपदेश दे उस फलसफे नूं स्थापित करदियां होया उन्हां सब चीज़ों का खंडन किया। यही कारण है कि उन्हां खिलाफ़ ये शिकायत हुई। अकबर ने शिकायत दर्ज की जिस विच सुनवाई वजो गुरु रामदास महाराज उस वेले भाई जेठा जी के रूप में गुरु दरबार में सेवा च हाजिर होंदे सन। भाई जेठा जी सहित होर मुखी सिखा नूं भेजिया गया ते उन्हां ने अपना गुरमत का पक्ष उत्थे पेश किया। अकबर ने शिकायत करन वालियां नूं झाड़ पाई भी तुहाडी शिकायत निर्मूल ते झूठी है, ईरखा चों निकली हुई है, इन्हां धिरां नूं मूंह दी खाणी पई पर इह धिरां सरगर्म रहियां। इन्हां धिरां दी सरगर्मी गुरु अर्जन साहब महाराज वेले भी सानूं गाए बगाए उन्हां दे जीवन विच विखाई देंदी है। एक चेहरा जिहड़ा है जिहदा जिक्र बड़ा आउंदा है गुरु अर्जन साहब जी की शहादत के संदर्भ में, वह है चंदू। इनू चंदू लाल करके भी लिखा, इनू चंदू शाह करके भी कई ने लिखा। शाह अमीर बंदे नू कह देंदे सन। पंजाब विच आम ही रवाज रहा जिहड़ा अमीर होवे थोड़ा रज्या पुज्या परिवार उन्हूं शाह भी कह देंदे सन भी ये शाह है। सो चंदू कलानौर दा गुरदासपुर दा रहण वाला सी ते लाहौर दे विच एक माल अफसर सी, जाने कि नौकरशाही दे विच ये बंदा एक चंगी पोजिशन उत्ते नूं कह सकदे हां। लाहौर विच इहदी हवेली दा भी जिक्र मिलदा भी लाहौर विच इहने अपनी हवेली भी बनाई हुई सी। इह तों इत्थों अंदाज़ा ला सकदे हां आपां भी एक चंगा अफसर सी। और अफसरां दे आपां राजनीतिक लोग राजनीतिक लोगों की जिनी भी गलबात है वो अफसर किड्डी वड्डी पोजिशन हुंदी है। अफसर शाही किसे सरकार की रीढ़ की हड्डी है। सरकारां नूं तोड़न तक की ताकत भी अफसरां दे अंदर हुंदी है। कई बार अफसर देर तक काम करन वाली जमात हुंदी। राजनीतिक कई बार आउंदा है दो चार साल ला के चलिया जांदा है। अफसरां ने उम्र भर नौकरियां करनियां हुंदियां ने, इस करके अफसरां दा जबा रुतबा बड़ा वड्डा हुंदा। अज वी आपां वेखदे हां साढ़े मुल्क विच वड्डे वड्डे राजनीतिक जिहड़े ने अफसरां तों त्रह जांदे ने। उन्होंने अपने अपने अफसरां ने अपने अपने राजनीतिक बंदे जिहड़े ने उह पाले हुंदे ने ते राजनीतिक बंदियां ने अफसर पाले हुंदे ने। तो एक अफसर शाही दे विच फिट बंदा चंदू कलानौर का रहने वाला माल अफसर है, लाहौर दे विच इहदी हवेली है। और जिक्र मिलता ऐसा भी जिक्र सानू इतिहास मिलता है भी गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह का जो इकलौता साहबजादे ने साहबजादा हरगोबिंद साहब जिहड़े मगरों गुरु हरगोबिंद साहब महाराज बने गुरु रुतबे ते स्थापित होए। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के रिश्ते वास्ते लागी ने दस पाई चंदू की बेटी की। उन्हें चंदू नूं जाके दस्या। कई लोग इस नूं एवें कहिंदे ने भी लाहौर की संगत ने चंदू की बेटी के रिश्ते की गल गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नाल कीती भी गुरु हरगोबिंद साहब नाल उन्हां दा नाता कर दिता जाए। चंदू ने इस गल ते कहा क्योंकि वह वर्ण आश्रमी भेदभाव नस्लवाद का एक चेहरा सी ते अफसर सी। गुरूर विच उहने कहा भी तुसीं चबारे की इट मोरी नाल लाउण दा यतन कर रहे हो। हालांकि कुछ लोग इस गल नाल असहमति भी रखते ने, अपने विचार देंदे ने। उन्हां दा मनना है कि गुरु साहब ने अपने परिवार ते रिश्ते नाते जिन्हें भी किए ने संगति किए ने। खैर चंदू का जिहड़ा अपना रोल है वह एक वर्ण आश्रमी जात पाती भेदभाव तो अफसर शाही का जिहड़ा गुरूर ये सारिया चीज़ों का बिंब है एक चंदू। इन्हां सारिया चीज़ों का प्रतीक है एक चंदू। चंदू ने एक बड़ा वड्डा रोल अदा किया अफसर शाही दे विच गुरु अर्जन साहब के बरखिलाफ। और यही कारण है भी जिस वेले गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज की शहादत विच चंदू जिहड़ा अफसर शाही दे विच फिट होण करके रोल अदा करता है वह बहुत वड्डा है।
बहुत वड्डा रोल। खुसरो दी बगावत, खुसरो दा फड़िया जाना चनाब दरिया दे नू पार करदे वेले, फिर उसनू सज़ा मिलनी लाहौर विच। ये सारिया घटनावां लाहौर च ही होईयां। जहांगीर भी इत्थे सी, मुर्तजा खान भी इत्थे सी, चंदू की हवेली भी उत्थे सी, अफसरां दा भी एक जम घटा लाहौर नगर की। जे असी सारी तफसील पढ़नी होवे भी लाहौर का की रुतबा है, महाराज गुरु नानक साहब ने एक पंक्ति जिक्र किया, लाहौर शहर जहर कैर सवा पैर। इस पंक्ति का अपना एक संदर्भ है, इनू आपां किते फिर विचारण का यतन करांगे। लाहौर जिहड़ा पंजाब की राजधानी है, तो राजधानी च पोलीटिकल लोग, अफसर लोग, अदालतां, सरकारी खजाना, सब कुछ राजधानी च ही हुंदा है। पंजाब की राजनीति का अफसरशाही का केंद्र बिंदु है लाहौर। इत्थे ही साजिश घड़ी गई गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह नूं इल्ज़ाम ला के, खुसरो की बगावत ज होर इल्ज़ाम ला के उन्होंने गिरफ़्तार करन दी। बादशाह दे कोलों समन जारी करवाए गए, मुर्तजा खान गुरु अर्जन साहब नूं गिरफ़्तार करदा, हिरासत च लैंदा, फिर गुरु अर्जन साहब महाराज नूं लाहौर ले जाया जांदा है। तो लाहौर फिर उन्होंने किसी सरकारी बिल्डिंग विच नहीं, चेते च रखो, चंदू की हवेली विच, क्योंकि लाहौर विच सिख संगत भी है और लाहौर पंजाब की राजधानी है। पंजाब के बहुगिणती इलाके विच गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह का रसूख है। तो ये सारा जो कुछ कारा किया जाता है, ये सारा एक गुप्त ढंग नाल किया जाता है। महाराज नूं गिरफ्तार करके चंदू की हवेली विच ले जाया जाता है। जिन्हें भी तसीए दिते गए, जिन्ना भी गुरु साहब सच्चे पातशाह नूं तकलीफ दिती गई, वह सारी चंदू की हवेली च दिती गई। सो इस रूप विच इत्थों सानूं पता लगता है भी चंदू की पोजिशन की है, चंदू का रुतबा की है अफसरशाही दे विच, भी उहदी हवेली की चोण की जाती है और वह इजाजत दिंदा है भी ठीक है, उहदी सहमति, उहदा रोल, उहदा विच योगदान उगड़ के सामने आ जाता है। और इतिहास के अगले पक्ष नूं असीं चलीए, इस तो गुरु अर्जन साहब की शहीदी तो बाद गुरु हरगोबिंद साहब की नज़रबंदी होंदी है ग्वालियर के किले विच। महाराज जिस वेले ग्वालियर के किले तो नज़रबंदी तो रिहा हो के आउंदे ने, तां उहनां दीआं दो मुलाकातां जहांगीर नाल होंदीआं ने। वह मुलाकातों का जिक्र इतिहास में है, 27 सितंबर 1621 नूं, और वह मुलाकातों का जिक्र है 27 जनवरी 1619 नूं, क्षमा करना 27 जनवरी 1619 नूं पहली मुलाकात गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज की होंदी है जहांगीर दे नाल रिहाई तो बाद गोइंदवाड़, ते दूजी होंदी 8 फरवरी 1619 नूं कलानौर। इस तों बाद गुरु हरगोबिंद साहब महाराज लाहौर जाते हैं, जिथे चंदू नूं उहदे कीते हुए जुल्म ते कारे का सतगुरु जवाब देंदे ने, ते उसनूं जिस वेले मुश्कां बन के लिजाया जा रहा नकेल पा के, तां एक गुरदित्ता जदों पठियारियां दे महल्ले चों लंघदे ने, तां एक गुरदित्ता नाम दा, जिहनूं गुरदित्ता पड़भूंजा भाव जिहड़ा दाणे भुन्नण वाले जां इस तरां दे पठियार हुंदे ने, उसने अपना कड़छा लै के, कई तो यह भी कहिंदे ने भी उही गुरदित्ता जिसने महाराज दे सीस ते गर्म रेता पाया। खैर एक वक्खरा टॉपिक है, पर गुरदित्ते नूं इन्ना गुस्सा आउंदा भी ये बंदा, उन्हें वो कड़छा लै के उहदे सिर विच मारिया ते उहदी जान निकल गई, चंदू उत्थे थाएं मर गया। ऐसा जिक्र भी सानू तारीख दे पन्नियां ते मिलदा। ये घटनावां अगे तो अगे चलदियां ने और सानू ये दसदियां ने भी चंदू एक चेहरा है वर्ण आश्रम जात पात अफसरशाही दे गुरूर दा, जिहड़ा अपना भरपूर योगदान पाउंदा है अपनी हवेली च। उहदी दे हवेली च गुरु अर्जन साहब नूं तसीहे दित्ते जांदे ने, शहीद किया जांदा है, उहदी मौत गुरदित्ते हत्थों हुंदी है चंदू दी। फिर कहानी इत्थे नहीं मुकदी। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने एक जंग लड़ी, हरगोबिंदपुरे की जंग। हरगोबिंदपुरे की जंग दे विच जिहड़ी विरोधी धिर जिहड़ा लड़न आया बंदा है, उहदा नां है भगवान दास घेरड़। ते उह भगवान दास कुड़म है चंदू दा। यह जंग होई 27 सितंबर 1621 ईस्वी नूं, ते इस जंग विच भगवान दास घेरड़ मारिया जांदा है। फिर इस 27 सितंबर तो ठीक 6 दिन तकरीबन बाद
ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਘੇਰੜ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਤਨ ਚੰਦ ਅਤੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਮ ਚੰਦ। ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਲਾ ਅਤੇ ਜੀਜਾ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਤਨ ਚੰਦ, ਕਰਮ ਚੰਦ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਘੇਰੜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਤਨ ਚੰਦ। ਫਿਰ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੰਦੂ ਦਾ ਰੋਲ, ਚੰਦੂ ਦੇ ਕੁੜਮ ਦਾ ਰੋਲ, ਚੰਦੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰੋਲ, ਚੰਦੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਚੰਦੂ ਦਾ ਕੁੜਮ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜੰਗ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਤਨ ਚੰਦ ਅਤੇ ਕਰਮ ਚੰਦ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਘੇਰੜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਦੂ ਦਾ ਰੋਲ, ਚੰਦੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਲਈ ਫੌਜ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਧਿਰ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਲੜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਰ ਇੱਕ ਲੌਬੀ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਸ਼ੁੱਧ ਖੂਨ, ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਕੌੜਾ ਮੱਲ, ਮਿੱਠਾ ਮੱਲ ਵਰਗੇ ਸ਼ਖਸਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਭੇਦਭਾਵ, ਛੂਆਛਾਤ, ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੌਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਖੇੜੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸਲਵਾਦ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਹ ਵੀ ਇਕਲਾਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੇ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਦੂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੁਰ ਪਤਾਲ ਤੱਕ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।